भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसमें 4000 नागा साधुओं ने मिलकर 30,000 अफगानी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये बात है साल 1757 की, जब मथुरा और वृंदावन को बर्बाद करने के बाद अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली गोकुल को ध्वस्त करने के लिए निकला था, लेकिन गोकुल तक पहुँचने से पहले अफगानी सेना को 3,000 त्रिशूलधारी नागा साधुओं ने रोक लिया। भस्मधारी नागा साधुओं को देखकर अफगानी सेनापति सरदार खान ने उन्हें हल्के में ले लिया और हमला बोल दिया। देखते ही देखते रण संग्राम शुरू हो गया। नागा साधुओं ने अपने त्रिशूलों और तलवारों से अफगानी सेना के रक्त से धरती की प्यास बुझा दी। थोड़ी देर बाद सरदार खान को यह एहसास हो गया था कि अफगानी सेना नागा साधुओं के सामने नहीं टिक पाएगी और इसलिए वो अपनी हारी हुई सेना को लेकर वहां से वापस चला गया था। इसके बाद किसी भी आक्रमणकारी ने गोकुल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। भारत का पड़ोसी देश भूटान डोकलाम को लेकर चीन के साथ एक बड़ा समझौता करने जा रहा है, लेकिन अगर वो समझौता हो गया तो वो भारत के लिए खतरे की घंटी। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, चीन का उसके 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें से 10 विवादों का हल निकल चुका है और अब चीन भूटान के साथ चल रहे डोकलाम विवाद को भी सुलझाने की तैयारी कर रहा है और इसमें भूटान भी चीन के सामने झुकता नजर आ रहा है। भूटान चीन और भारत के त्रिकोणीय क्षेत्र से बना डोकलाम भारत की अखंडता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर भूटान ने इस समझौते के चलते चीन को डोकलाम का नियंत्रण दे दिया तो इससे भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडराने लगेगा और युद्ध की स्थिति के दौरान चीन डोकलाम पॉइंट से भारत के चिकन नेक को अलग भी कर सकता है। साथ ही डोकलाम पॉइंट से चीन भारत पर सर्विलांस भी कर सकता है, जिससे चीन भारत के संवेदनशील क्षेत्रों पर बढ़त की स्थिति में आ जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने भूटान को चीन से डोकलाम को लेकर कोई भी समझौता ना करने की चेतावनी दी है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या भूटान चीन के सामने झुकेगा और भारत का साथ देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।